बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं गार्लिक नान। उसके लिए हमें एक सैशे यीस्ट का चाहिए, ये वाला। उसमें हम एक टीस्पून नमक का डालेंगे, दो टीस्पून पिसी हुई हम चीनी डालेंगे। इस तरह भर के, चीनी यीस्ट को ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट करती है। इसको हम वार्म वाटर से, नीम गर्म पानी से जो है वो मिक्स करेंगे। हमने 3 कप मैदे के लिए उनको अच्छे से हमने छान लिया। उसमें हम 4 चम्मच हम तेल डालेंगे। ये 4 क्लोव हमने लहसुन के ग्रेट करके डालने हैं। वैसे तो लोग इसमें लहसुन पाउडर डालते हैं, लेकिन मैं फ्रेश डालना पसंद करती हूँ। लहसुन डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया। आप लहसुन की तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ड्राई लहसुन पाउडर डालेंगे तो वो आप 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे लेवल का। यीस्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, ये बबल्स बन रहे हैं, ये एक्टिवेट है, इसे भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा सख्त हो। ऑयल स्प्रेड करके हमने इसको समेट लिया। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए वार्म प्लेस पे रखेंगे। ये हमारा डो देखें कितना अच्छा राइज हुआ है। अब हम इसके नान बनाएंगे। ट्रे में लगा लिए। अब ये थोड़ी देर 15 मिनट राइस करेंगे, उसके बाद हम ओवन में डालेंगे। ये हम देगचे में लगाएंगे। ये हम खालस घी या मक्खन में हमने लहसुन को ग्रेट करके अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं। जब ये पक जाएंगे तो फिर हम ताज़ा ताज़ा भी लगाएंगे, उससे इसकी खुशबू और ज़्यादा खूबसूरत आएगी। देखेंगे राइस हो गए हैं, इसको अब हम ओवन में रखेंगे। 15 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। इसको हम देखचे में रखेंगे। ये देखचे वाला है और ये ओवन वाले हैं। फाइनल लुक देख लें, बनाएं, इंजॉय करें और फीडबैक ज़रूर दें। शुक्रिया।